अगले दिन टीवी पर हैंक मैकॉय की गर्लफ्रेंड यानी ट्रिश टेल्बी न्यूज़ रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि डेडपूल सारे सुपर हीरोज और सारे सुपर विलन्स को बेरहमी से मार रहा है। वो कहती है कि डेडपूल अच्छे बुरे तो क्या, इनोसेंट हीरोज को भी नहीं छोड़ रहा, जैसे कि हावर्ड द डक। फिर वो उन ग्रुप्स के बारे में बताती है जिनके मेंबर्स को डेडपूल ने मार दिया है, जैसे कि फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स के कुछ मेंबर्स और एक्समैन के कुछ मेंबर्स, जैसे कि हैंक मैकॉय। और ऐसा कह के वो रोने लगती है। फिर वो पूछती है कि जिस तरह डेडपूल एक एक करके सबको मार रहा है, क्या कोई ऐसा है जो उसको रोक पाएगा। तब हम देखते हैं स्पाइडरमैन को डेडपूल से लड़ते हुए। स्पाइडरमैन डेडपूल को बोलता है कि उसे लगता था कि डेडपूल फनी है, पर अब वो सरदर्द बन चुका है। तो डेडपूल स्पाइडरमैन को बोलता है कि तभी आज वो हंस नहीं रहा, क्योंकि डेडपूल स्पाइडरमैन को काटने वाला है। स्पाइडरमैन डेडपूल को बोलता है कि अच्छे अच्छे साइकोपैथ उसे मारने आए। तो डेडपूल को स्पाइडरमैन को मारने की चिंता कम और खुद के गिरने की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। और तभी स्पाइडरमैन डेडपूल को नीचे गिरा देता है। डेडपूल का सर जोर से पुलिस की गाड़ी के हुड पर लगता है और वहां लोग भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। तब स्पाइडरमैन नीचे आके बोलता है कि बहुत चोट लगी होगी उसे, पर कोई बात नहीं, क्योंकि डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर है, जो कि उन लोगों से ज्यादा है जिन्हें डेडपूल ने बुरी तरह मारा है। फिर स्पाइडरमैन बोलता है कि डेडपूल किस्मत वाला है, जो स्पाइडरमैन उसकी इतनी बुरी हरकतों के बाद भी उसे छोड़ रहा है। बेसिकली कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और डेडपूल बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हमने अल्टीमेट स्पाइडरमैन में भी देखा कि किस तरह डेडपूल स्पाइडरमैन का साथ देता है। डेडपूल का मुंह टेढ़ा हो चुका था, पर फिर भी वो स्पाइडरमैन से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि जो वो चाहता है वो उसे करने देंगे। स्पाइडरमैन गुस्से में डेडपूल को पकड़ता है और बोलता है कि उसे उसकी कोई बकवास नहीं सुननी। डेडपूल पहले ही हंसी मजाक वाली दोस्ती से दूर हो चुका है और अब ये मार काट ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो वो स्पाइडरमैन को काटने का तो सोचे भी ना। तो डेडपूल अपने टेढ़े मुंह से बोलता है कि सही बात है, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। और तभी डेडपूल स्पाइडरमैन के मुंह पर गोली मार देता है और स्पाइडरमैन वही मर जाता है। सारी भीड़ दहशत में आ जाती है। डेडपूल वहां से निकल के एक गली में जाता है और बोलता है कि बहुत मजा आया, पर अब किसकी बारी है। तो डेडपूल के दिमाग की नई आवाज उसे कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला कौन है, क्योंकि सबको मरना है। पर डेडपूल बोलता है कि नहीं, फर्क पड़ता है, ये सब जो मरे हैं वो छोटे खिलाड़ी थे, मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कुछ भारी। तब वो अंदर की आवाज़ कहता है कि ये पुराने डेडपूल की बातें हैं, उसे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो है डेडपूल के साथ। तो डेडपूल उस आवाज़ से पूछता है कि क्या वो हमेशा से ही उसके साथ था। उसके अंदर दबा हुआ उसको सड़ा रहा था अंदर से। तब वो आवाज़ डेडपूल से कहता है कि सब सिंपल ही रखे, क्योंकि जिनके खिलाफ वो लोग ये खेल खेल रहे हैं वो धमाकेदार चीज़ें ही चाहते हैं। डेडपूल अपना मुंह सीधा करके कहता है कि वो उनके खेल से आगे निकल चुका है, नहीं तो वो अपने चहेते स्पाइडरमैन को मरने नहीं देते। और रही बात धमाकेदार की, तो अब धमाका ही होगा, एक बड़ा धमाका। आगे हम एवेंजर्स हेडक्वार्टर में बचे हुए एवेंजर्स को देखते हैं, जो कि थे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, मिस मार्वल, हॉकाय, वुल्वरीन, थॉर, ल्यूक केज और स्पाइडर वुमन। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि अब मीटिंग शुरू करते हैं, जिसपे मिस मार्वल पूछती है कि बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं। ल्यूक केज बताता है कि डेडपूल ने ब्लैक पैंथर, टाइग्रा और आयरन फिस्ट को मार दिया है। ऐसा हो सकता है कि उसने औरों को भी मार दिया हो, जिनके बारे में हमें नहीं पता, और ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे हीरोज छुपे हुए हो। इस बात पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि एवेंजर्स छुपते नहीं हैं। तब स्पाइडर वुमन कहती है कि एवेंजर्स मरते भी नहीं हैं, पर इस बात ने डेडपूल को स्पाइडरमैन को मारने से नहीं रोका। कैप्टन अमेरिका समझाते हैं कि हम सब दुख में हैं और हम सब ने कई करीबी लोगों को खोया है, पर अभी हमें ये देखना है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटें। तब वुल्वरीन उठ के बोलता है कि अब कुछ करने को नहीं है, या तो मारो या मारे जाओ। इस बात पर ल्यूक केज भड़क कर बोलता है कि वो डेडपूल से डैनी की मौत का भी बदला लेगा। हॉकाय अचानक बोलता है कि चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पर डेडपूल को मरना पड़ेगा, तो इसीलिए अब हमें उसका अगला टारगेट पता लगाना होगा। हॉकाय की बात पूरी भी नहीं हुई कि जार्विस मीटिंग के बीच में आके चिल्लाता है कि डॉक्टर पिम कहीं नहीं मिल रहे। टोनी स्टार के पूछने पर जार्विस बताता है कि हैंक पिम पूरे दिन अपनी लैब में काम कर रहे थे, पर अब वो नहीं मिल रहे। ऊपर से डॉक्टर पिम इस बात से भी चिंता में थे कि उनके पिम पार्टिकल चोरी हो रहे हैं। वुल्वरीन पिम पार्टिकल सुनते ही समझ जाता है कि डेडपूल का अगला टारगेट है अवेंजर्स। तभी बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स अचानक से मीटिंग वाली जगह पर बड़े हो जाते हैं, और जब तक कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स को सतर्क करते, एक बड़ा सा धमाका होता है और पूरा एवेंजर्स हेडक्वार्टर तबाह हो जाता है। उस तबाही के बाद हमें आयरन मैन का हेलमेट, कैप्टन अमेरिका की शील्ड और वुल्वरीन का स्केलेटन पड़ा हुआ दिखता है। तब डेडपूल वहाँ एंटमैन के हेलमेट के साथ आता है और हंस के बोलता है कि एवेंजर्स के टुकड़ों की बारिश हो रही है।
अब इन्हें झाड़ू और डस्टबिन से ही असेंबल करना पड़ेगा। तभी एक आवाज आती है, इतनी जल्दी नहीं। तब हम ल्यूक केज को मलबे में से उठते हुए देखते हैं। वो बोलता है कि डेडपूल को बम से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर वो अनब्रेकेबल स्किन वालों को मारना चाहता है तो। तब डेडपूल बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जैसे लोगों को मारना आसान नहीं है, इसलिए उसने कुछ बम और छोटे किए थे। फिर डेडपूल ल्यूक से पूछता है कि तुम लोगों ने कॉफी तो पिया ही था, और ऐसा कह के वो एंटमैन का हेलमेट ल्यूक केज की तरफ करता है और ल्यूक केज के अंदर के सारे बम फट जाते हैं और वो मर जाता है। तभी वहाँ जोर से बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। तब हम देखते हैं कि थॉर गुस्से में अपना म्योनियर घुमा रहा है, ये बोल के कि ओडिनसन को मारना इतना आसान नहीं है। तब थॉर अपने हथौड़े को फेंकते हुए बोलता है कि डेडपूल को हराना या मारना ही काफी नहीं है, बल्कि वो डेडपूल का नामो निशान मिटा देगा मिडगार्ड से। डेडपूल हथौड़े से बचते हुए बोलता है कि थॉर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सिर्फ थॉर की फिजियोलॉजी ही थॉर को नहीं बचाती, बल्कि उसका भगवान होना ही कई सवाल उठाता है। थॉर अपना हथौड़ा वापस अपनी तरफ बुलाता है, पर डेडपूल एंटमैन के हेलमेट को यूज करता है थॉर के हथौड़े के ऊपर, ये पूछते हुए कि क्या ज्यादा स्ट्रांग है, थॉर या उसका हथौड़ा। और तभी थॉर का हथौड़ा बड़ा हो जाता है और थॉर को कुचल देता है। थॉर मरते मरते बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। डेडपूल उसके पास आके बोलता है कि क्या कह सकते हैं। फिर डेडपूल के अंदर से आवाज वापस आती है और उससे पूछती है कि क्या वो सेटिस्फाइड है। तो डेडपूल कहता है कि क्या उसे होना चाहिए, तो आवाज कहती है नहीं। तब डेडपूल माफी मांगते हुए बोलता है कि वो माफी चाहता है कि ये सब नहीं समझ रहे कि असलियत क्या है। सबको लगता था कि डेडपूल पागल है, पर वो नहीं देख पा रहे जो डेडपूल देख सकता है। डेडपूल बताता है कि ये सब कठपुतली हैं जिनको नचाया और हंसाया जा रहा है मेरी तरह। तब डेडपूल के अंदर की आवाज बोलती है कि उसने उन सब पर एहसान किया है और उसने एक बार में ही अर्थ के सबसे ताकतवर हीरोज को मार दिया है, तो अब आगे तो सब आसानी से ही हो जाएगा। पर आगे हम देखते हैं कि हल्क ने डेडपूल के हाथ, पैर और उसकी गर्दन को उखाड़ दिया है, और वो चीख के बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हल्क के दोस्तों और दुश्मनों को मारने की, और ऐसा कहके वो डेडपूल की बची कुची बॉडी को कुचल देता है। होता यह है कि हल्क अपने दोस्तों के मरने की वजह से बहुत दुखी होता है, इसीलिए वो अकेला रहना चाहता है। तब हल्क एक गुफा में जाकर बैठ जाता है और अपने दुख की वजह से ब्रूस बैनर बन जाता है और सो जाता है। तभी अचानक उसे एक आवाज आती है कि मुझे काट के तुम्हें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि तब तुम मुझसे और नफरत करोगे। इससे पहले ब्रूस बैनर कुछ फील करता, डेडपूल उसका गला काट देता है और इस तरह हल्क भी मर जाता है। तब वो आवाज वापस डेडपूल से बोलती है कि स्पाइडरमैन, एवेंजर और हल्क, शुरू के दिनों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आगे हम देखते हैं कि आंट मैंने अपने घर पे सारे सुपरहीरोज की फैमिली को बुला रखा था और सबने अपने सारे पैसे और कीमती सामान को एक टेबल पर रख रखा था। आंट मैं कहती हैं कि अगर उन्हें पीटर की सच्चाई पता होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो सामने एक आदमी खड़ा होता है, वो आंट मैं से पूछता है कि मुझे क्यों बुलाया गया है। तो आंट मैं कहती हैं कि हमने अपने सारे पैसे और चीज़ें जमा करी हैं ताकि तुम्हें एक काम दे सके। तभी हमें टास्क मास्टर दिखता है और आंट में उसको कहती हैं कि हम सब चाहते हैं कि तुम उसको मार दो जिसने हमसे हमारे करीबियों को छीन लिया है। और टास्क मास्टर कहता है काम हो जाएगा। I can see a reason to try to fight for me.